देखिए हाल ही में लियो के प्रोडक्शन कंपनी यानी सेवन स्टूडियो ने एक वीडियो रिलीज किया है ये वाला, जिसमें उन्होंने संजू बाबा को दिखाया है। वो अभी अब जा चुके हैं लियो के शूटिंग सेट पर कश्मीर में, और वहीं उनकी मुलाकात हुई अपने थालापति विजय सर से भी। एक्चुअली में संजू बाबा कुछ दिन पहले ही लियो के सेट पर चले गए थे, बट ये वीडियो मेकर्स ने कल रिलीज की है। और इस वीडियो में सबसे हैरानी करने वाली बात विजय सर का लुक है। आई थिंक ऐसा कुछ लुक उनका बीस्ट फिल्म में भी था, उसमें भी ऐसा ही बियर्ड और हेयर स्टाइल में थे वो। देखिए असल में विजय सर का लियो में दो लुक होने वाला है, एक जवान आदमी का और दूसरा थोड़ा ओल्ड एज का। और अभी जो कश्मीर में शूटिंग चल रहा है वो थोड़ा ओल्ड एज वाला का शूट हो रहा है। और इस समय सिर्फ वो एक गैंगस्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छे फैमिली मैन भी है, जिनके एक वाइफ है त्रिशा और इनके एक बेटी भी है इस फिल्म में। शायद लगता है विजय सर अपने गैंग वाली दुनिया छोड़कर चले गए होंगे कश्मीर में अपने फैमिली के साथ शांति से जीवन जीने के लिए। लेकिन क्या है ना, किसी इंसान का बीता हुआ कल पीछा नहीं छोड़ती है, वो एक न एक दिन फेस टू फेस आ ही जाती है। तभी तो फिल्म का मेन विलेन संजू बाबा भी पहुंच गए कश्मीर में बेचारे फैमिली मैन लियो से लड़ने के लिए। देखते हैं मेकर्स यहाँ इनके साथ क्या क्या शूट करते हैं। देखिए कश्मीर के बाद अगला शूटिंग शेड्यूल लोकेश कनकराज चेन्नई में करने वाले हैं, जहाँ बताया जा रहा है चेन्नई में विजय सर का बीता हुआ कल का शूटिंग होने वाला है। वो गैंगस्टर क्यों और कैसे बने और गैंगस्टर बन के क्या क्या तबाही मचाए हो। और वही हमें थालापति विजय सर का पहला लुक भी देखने को मिलेगा जो थोड़ा यंग होगा। शायद लगता है अर्जुन सरजा वाला शूटिंग पोर्शन भी कश्मीर में नहीं चेन्नई में ही होने वाला है। सो इंतजार करते हैं आगे क्या क्या होता है लियो फिल्म में। लेकिन भाई मानना पड़ेगा लोकेश कनकराज बड़ा ही जल्दी जल्दी शूटिंग कर रहे हैं बिना एनी ब्रेक लिए हुए। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।